अस्फहान में एक शख्स था जो अपनी बीवी को मारता था, लेकिन बदकिस्मती से वो उसकी माँ से दम तोड़ गई, हालांकि इसने इसे मारने का इरादा नहीं किया था। लेकिन जब वो मर गई, वो अपने रिश्तेदारों से डरने लगा। परेशानी की हालत में वो घर से निकला और एक जाने वाले से मिला, जिसके सामने इसने अपना मसला पेश किया। दोस्त ने इसे कहा कि एक नौजवान को अपने घर बुलाओ और उसका सर कलम करो और कटा हुआ सर बीवी की लाश के पास रख दो। फिर बीवी के रिश्तेदारों को बताता कि इसने उन्हें एक साथ बिस्तर पर पाया था और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सके और इन दोनों को मार डाला। इस आदमी को यह ख्याल पसंद आया और वो एक नौजवान के इंतजार में दरवाजे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान उसके घर के पास से गुजरा। उसने इसे अंदर बुलाया और इसका सर कलम कर दिया। फिर उसने बीवी के रिश्तेदारों को बुलाया और उन्हें फर्जी कहानी सुनाई। वो मुतमईन थे, लेकिन जिस शख्स ने यह मंसूबा बनाया था उसका एक नौम बेटा था जो इस दिन घर नहीं पहुंचा था। वो शख्स परेशान हुआ और जब बेटा वापस ना आया तो वो इस शख्स के घर आया जिसे इसने बुरी नसीहत की थी और इससे पूछा कि क्या उसने जो मंसूबा तजवीज़ किया था इस पर अमल किया। हाँ, कहा और लाशों के पास ले गया। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि जिस नौजवान को उसने मारा है वो इसका अपना बेटा है। इसकी बुरी नसीहत इसके अपने बेटे की मौत का सबब बनी। इस कहानी का अखलाक यह है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है।